अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ा मज़ेदार सा चॉकलेट केक, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनने वाला है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा, और बहुत सॉफ्ट भी ये बनेगा और टेस्टी भी बनेगा, और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और आप ख़ुद भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आपके एक कमेंट्स और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने एक अंडा डाल दिया है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे था, और इसमें मैंने हाफ कप चीनी का ऐड किया है। आप चाहें तो चीनी को पीस लीजिएगा, मैंने चीनी को नहीं पीसा है, इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था। तो इसको कम अज़ कम मैं 8 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लूँगी। 8 मिनट बीट करने के बाद ये बिल्कुल फ्लफी फॉर्म में आ जाएगा। और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल दूंगी। ऑयल आपने वेजिटेबल ऑयल लेना है। इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा बीट कर लूंगी, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने वनीला का डाल दिया है। अब इनको बीट कर लूंगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें अच्छे से बीट हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं एक छन्नी ले लूँगी, और तकरीबन इसमें मैं 1 कप मैदा लूँगी, और इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल दूँगी, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडे का भी डाल दूँगी, और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर का ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। तो ये पूरा अच्छे से छन चुका है। स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी, और 1/3 कप इसमें मिल्क का ऐड कर दूंगी, और इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैंने मोल्ड रेडी कर लिया है, उसमें मैंने बटर लगा दिया था और बटर पेपर भी लगा दिया है इसके चारों साइड पर। और अब इस बीटर को मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको टैप कर लूंगी ताकि इसके में जो भी एयर है वो निकल जाए। और मैंने माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए हीट अप कर लिया था 180 डिग्री पर, और इसको 40 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लूंगी। तो जी देखें केक हमारा बेक हो चुका है, और अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ किसी भी नाइफ से। तो ये देखें बिल्कुल हमारा केक रेडी है। और अब हम यहाँ चॉकलेट स्प्रेड बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था, और इसमें मैंने 1/2 कप दूध का डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें बड़ा शाइनी सा लिक्विड सा हमारा चॉकलेट स्प्रेड रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं केक को फ्लिप कर लेती हूँ। तो जी देखें केक हमारा कितना सॉफ्ट और फ्लफी सा बना है। और अब इसकी ऊपर से मैं लेयर की कटिंग कर लूँगी, और नाइफ से मैं इसमें थोड़े थोड़े से होल कर लूँगी क्योंकि मैंने इसमें शुगर सीरम डालना है। शुगर सीरम भी इसमें मैंने डाल दिया है, इससे केक और सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी भी हो जाएगा। और अब इस पे मैं चॉकलेट स्प्रेड कर दूंगी। तो केक को मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया था, और इस पे मैंने चॉकलेट स्प्रेड कर दिया है अच्छी तरह से, और केक का दूसरा पार्ट भी मैं इस पे लगा दूंगी, और उस पे भी मैं चॉकलेट स्प्रेड कर दूंगी, और इस पे मैं स्प्रिंकल्स कर दूंगी।
देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हो रहा है और बच्चे इसको बहुत ही लाइक करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इस पे चॉकलेट चिप भी लगा दिए हैं, जिसे चाहे आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, आप इसकी व्हिपिंग क्रीम से भी कर सकते हैं। तो बस बड़ा शानदार सा मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट केक रेडी है। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट सा ये केक बना है। और देखें कितना सॉफ्ट हमारा केक है। तो जी देखें ये बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हुआ है और इसको मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़ेदार बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट्री की शेप में कट कर लिया है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।